तोड़ के पिंजरा जाने कब उड़ जाए, तोड़ के पिंजरा जाने कब उड़ जाए, लाख बिछा दो बंदिशें फिर भी आसमान में जगह बनाए। शक्ति, जिम्मेदारी और स्नेह की क्यारी हो, हाँ गर्व है मुझे तुम नारी हो। भले ही जंजीरों से बांधे हैं दुनिया ने पैर, भले ही जंजीरों से बांधे हैं दुनिया ने पैर, जब चाहे इसे तोड़ जाए कम नहीं एक किसी से दुनिया को दिखलाए। जो हालत से हारे ऐसी नहीं तुम लाचारी हो, जो हालत से हारे ऐसी नहीं तुम लाचारी हो, हाँ गर्व है मुझे तुम नारी हो, हाँ गर्व है मुझे तुम नारी हो। 20th century's longest serving and the first lady prime minister of the United Kingdom, Margaret Thatcher, said, "If you want something said, ask a man. If you want something done, ask a woman." कुछ निडर, निर्भीक, कर्मठ और निश्चयवान महिलाओं की कहानियां लिए उनके साथ, in their own style, in their own fashion, in their own swag, we bring to you जाने अनजाने मेरी कहानी मेरी जुबान। वेलकम टू द 8th एपिसोड ऑफ सीजन 1 ऑफ जाने अनजाने विद मी राजीव माथुर। आवर गेस्ट टुडे इज दैट वन लेडी हु हैज डन सो मच इन लाइफ दैट आई थिंक इट इज डिफिकल्ट टू कवर दैट इन वन एपिसोड। एजुकेशनिस्ट, कॉर्पोरेट एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कोच, एक्टर, डांसर, मॉडल, होम मेकर एंड मदर। बट शी इज हियर इन सीजन 1 टूडे बिकॉज शी इज अ रेगुलर फैकल्टी टू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश पुलिस एंड इंडियन आर्मी टू टीच एंड ट्रेन देयर वेरियस टीम्स। मिस रश्मि गोलिया, जाने अनजाने में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। Thank you so much, sir, for inviting me. It's my pleasure and I'm feeling honored to be on your channel. And thank you so much for this Jaane Anjaane mug. I'm enjoying my tea in this. Rashmi, आप इतनी सारी activities में involved हैं, तो हमें ये समझ नहीं आ रहा कि आपका introduction कैसा होना चाहिए और आपको इसमें हमारी मदद करनी पड़ी। और वैसे भी Jaane Anjaane में हम ये कहते हैं कि this is your story, your way, मेरी कहानी, मेरी जुबानी। तो ये अगर आपकी ऑटोबायोग्राफी का इंट्रोडक्शन होगा तो वो कैसा होगा? आई वुड लव टू डिफाइन माई सेल्फ इन वन लाइन, लाइक अ पर्सन हु इज एंजॉयिंग लिविंग इन दिस वर्ल्ड, सेलिब्रेटिंग हर लाइफ एंड एंजॉयिंग लिविंग ईच मोमेंट। दैट्स हाउ आई वुड लाइक टू डिफाइन माई सेल्फ। रश्मि, पुलिस और भारतीय सेना में आप रेगुलरली ट्रेनिंग देती हैं, तो क्या क्या ट्रेनिंग, किस तरीके की ट्रेनिंग आप देती हैं और इसके बारे में आपके कुछ जो अनुभव हैं वो हमारे साथ बताइए। Yeah, never thought कि I will be a teacher or trainer or in this field. I came here by chance but not by choice. जैसे सबका अपना एक ambitions या dream होते हैं, वो change होती रहती थी, but while I was doing few of my professional courses, I was thinking I would join some multinational company or something like that. बट somehow कुछ ऐसा होता गया पढ़ते पढ़ते कि जो अपॉर्चुनिटी मिलती गई एंड वो टाइम पास अपॉर्चुनिटी ही मेरा प्रोफेशन ही बन गई। आई एम एंजॉयिंग नाउ एंड आई स्टार्टेड माई करियर इन टीचिंग इन अ प्राइवेट कॉलेज। मैंने 14 ईयर्स तक एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया है एज अ मैनेजमेंट फैकल्टी, और उसके बाद somehow आई स्विच टू फ्री लैंसिंग सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग एंड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। तो इसी उसमें एक अपॉर्चुनिटी थी जहां पर नाउ आई एम टीचिंग एज अ विजिटिंग फैकल्टी फॉर मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स हैं, जो मैं रीसेटलमेंट कोर्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के जवानों के लिए रहता है वहां मैं पढ़ा रही हूँ। और एज अ गेस्ट स्पीकर आई एम विजिटिंग टू ऑलमोस्ट ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ एमपी पुलिस। बहुत ही अच्छा मतलब लगता है यहाँ पर जाने के बाद, अगर हम बाकी की चीजें छोड़ दें दूसरी कि सैलरी एक मल्टीनेशनल्स में या किसी बड़े प्राइवेट कॉलेज में, जो आज मैं जिस पोजीशन पे होती एंड आई एम यहाँ पर मैं एक ट्रेनर के रूप में जाती हूँ, वो सारी चीजें मायने नहीं रखती लाइफ के। आप एक ऐसे फेज में जब पहुंच जाते हैं तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता था। मैंने पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, बहुत सी ऐसी चीजें सीखी है यहाँ पर,
इनफैक्ट इतना ज्यादा असर पड़ा है मेरे ऊपर इन सब जगह पे जाने से और इन लोगों से इंटरेक्ट करके, आई फील ब्लेस्ड। रश्मि, इतनी सारी चीजों में आपका इंटरेस्ट है, तो ये इंटरेस्ट बचपन से डेवलप हुआ? कुछ बचपन के बारे में हमें और बताइए, पेरेंट्स के बारे में कुछ और हमें जरूर बताइए। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं, ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। और कुछ मैंने इनहेरिट किया मेरी मदर से, शी इज अ वेरी एक्टिव पर्सन आज भी, और बहुत सारी पोस्ट होल्डर्स रही हैं जिस फैक्ट्री कैंपस में माय फादर इज वर्किंग फॉर जेके कॉर्प, एंड वहीं पर लेडीज क्लब की शी वाज सेक्रेटरी, शी यूज्ड टू डू लॉट्स ऑफ थिंग। तो वहीं पर ही जो कैंपस था, मैं कॉलोनी में बहुत सारे फंक्शंस ऑर्गेनाइज करती थी, छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करती थी, कोरियोग्राफी करती थी। स्कूल में हमेशा मैं पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, स्पोर्ट्स के नाम पे सिर्फ इसलिए जाके ग्राउंड पे खड़े हो जाते थे क्योंकि पीटीओ मार्च पास्ट में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी था, और बाय चॉइस में किसी में पार्टिसिपेट अगर करती भी थी तो मैं लास्ट में रहती थी हमेशा। कोई भी रेसेस में मैं कभी फर्स्ट नहीं आई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या सिलेक्शन ही नहीं हुआ, मैं हमेशा लास्ट में रही। तो कहीं ना कहीं मैंने टेस्ट कर लिया कि आई एम अ पर्सन हु एंजॉयज द आर्ट एंड कल्चर बाय हार्ट, और स्टेज पे अगर कोई फंक्शन होना है, चाहे वो कव्वाली है, वो मैंने एक बार फ्यूजन कव्वाली ऑर्गेनाइज की, माइकल जैक्सन के सॉन्ग पे भरतनाट्यम करवाया 2-3 गर्ल्स को, इस टाइप के कुछ न्यू क्रिएटिव थिंग्स मैं छोटे छोटे बचपन से करती आ रही थी। फिर कुछ टाइम का एक गैप आया व्हेन आई वाज मेकिंग माय करियर एंड फैमिली, लेकिन उसके बाद मुझे दोबारा मौका मिला, तो वही जो पार्ट बचपन का था वो कभी नहीं जाता है, वो आपके अंदर हमेशा सर्वाइव करता है, तो वो खुल के मुझे मौका मिल रहा है। अब अगेन आई एम रिलीविंग दैट फेज ऑफ माय लाइफ। रश्मि, वेयर डिड यू डू योर कॉलेज फ्रॉम, एंड एनी इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रॉम योर स्टूडेंट इयर्स दैट यू वांट टू शेयर? थ्रू आउट मेरी स्कूलिंग गर्ल्स मिशनरी स्कूल से थी, कॉलेज भी मेरा गर्ल्स कॉलेज था, बट हाँ उस गर्ल्स कॉलेज में भी आई वुड से कि हमने बहुत एंजॉय किया जो हमारी गर्ल्स गैंग थी। कहीं ना कहीं हम लोगों ने छोटी छोटी हरकतें अपनी स्टार्ट कर दी थी, और वो डेलिबरेटली ये सोच के कि यार ये कॉलेज में आ गए हम, कॉलेज लाइफ है, कुछ तो हरकतें करें। तो हम जब फर्स्ट डे गए तो मेरे जमाने में, लाइक अगर हम बात करें आज से 19-20 साल पहले, बड़ा रैगिंग का माहौल चला करता था, तो बड़ा डर गए हम। मगर जब हम गए तो मेरे साथ जो मेरी और 5-6 फ्रेंड्स थी, हमने सोचा कि हम ऐसा अपना बॉडी लैंग्वेज और ऐसे बिहेव करते जैसे हम यहाँ के सीनियर हैं, और अपन स्टार्टिंग से रैगिंग लेना चालू कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से सब डरेंगे और अपन बच भी जाएंगे, अपनी रैगिंग नहीं होगी। तो वो जो एक्टिंग वाला पार्ट और ये सारी चीजें थी वो शायद कहीं ना कहीं था, तो बड़ी बोल्डली गए, और इससे पहले कि कोई हमारी रैगिंग लेता, मैंने ही उनकी रैगिंग ले ली कि जाओ गार्डन में से तितली पकड़ के लाओ। तो ऐसी छोटी छोटी हरकतें हमने कॉलेज में पटकी हैं, बट दैट इज इंटरेस्टिंग फॉर अस। रश्मि, यू टॉक वेरी पैशनेटली अबाउट योर फैमिली, द ट्रेडिशंस दैट योर फैमिली इज फॉलो, प्लीज टेल अस मोर अबाउट योर फैमिली, योर हस्बैंड, योर सन। सर, यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट, ये एक ऐसी चीज है बीइंग अ फीमेल, और कहीं ना कहीं जो मैं बहुत ज्यादा ट्रेडिशनली एंड कनेक्टेड टू द रूट्स हूँ, ये एक ऐसा टॉपिक जो मैं अनएंडिंग बोल सकती हूँ, दिन भर बात कर सकती हूँ मेरी फैमिली के ऊपर। बिकॉज अगर मैं हस्बैंड की बात करूँ तो ही इज अ बिजनेसमैन, एंड वी आर पोल्स अपार्ट, लाइक ही इज इनटू बिजनेस, आई एम इनटू जॉब, बहुत सारी चीजें, हमारा इस टाइप का नेचर बिल्कुल इसलिए भी डिफरेंट है क्योंकि डिफरेंट टाइप के हमारे प्रोफेशंस है जो वर्किंग है हमारी। उसके अलावा भी कई चीजों में, लाइक ही वॉज एथलीट एट हिज टाइम, अभी भी ही लव्स रनिंग एंड स्पोर्ट्स टाइप थिंग्स, और मैं आर्ट एंड कल्चर, एंड ही इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड कल्चर, बस एंजॉय करते हैं, ठीक है मूवी है आ रही है, या मुझे टीवी चैनल पे किसी पे देख लेते तो ही एंजॉयज वॉचिंग मी, बस उतना ही कि मैं आ रही हूँ, एंड अदरवाइज तो काफी सारे हम लोगों में चॉइसेस डिफरेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अपोजिट्स अट्रैक्ट, तो हम और ज्यादा एक दूसरे की चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं, लाइक करते हैं, एंड माय सन इज नाउ इन टू कॉलेज, एंड उसके साथ एक अलग ही, लाइक आई हैव ओनली वन सन, एंड उसका जब एक चाइल्डहुड से वो ग्रो कर रहा था तो बहुत सारी चीजें मैंने अपना चाइल्डहुड, मैं उसकी मदर तो बहुत कम, एज अ फ्रेंड ज्यादा हूँ, एंड ही इज गुड इन स्टडीज एंड ही हैज हिज ओन एम्बिशंस, तो उसी के साथ में हम अपने गोल्स एंड टारगेट्स को मैंने कुछ मर्ज कर लिया है। रश्मि, प्रोफेशनली आप एक एजुकेशनिस्ट हैं,
और आर्ट एंड कल्चर आपकी हॉबी है, या आर्ट एंड कल्चर आपका प्रोफेशन है और एजुकेशन आपकी हॉबी है, तो इसमें हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसका हमको क्लैरिटी दीजिए आप। अगर देखा जाए तो फैमिली को खुश रखने के लिए और इंटरनली भी आई फील मेरा प्रोफेशन इज माय फर्स्ट थिंग, जो मैं एक जस्टिस भी कर रही हूँ उसमें। सो अगर कमिटमेंट कर दिया, मेरे लेक्चर्स हैं, मेरी क्लासेस चल रही हैं, एग्जाम्स चल रहे हैं, लाइक हम इंडियन आर्म फोर्सेस में भी एग्जाम्स होते हैं आफ्टर एवरी 3 मंथ्स के उनके कोर्स के बाद, तो कितना भी इम्पोर्टेंट चीजें आ जाए और मैंने कई बार छोड़ी है, तो मुझे प्रोफेशन को मैं फर्स्ट प्रियोरिटी पे रखती हूँ और इसको मैं एज अ हॉबी ही ले रही हूँ। एज एन आर्टिस्ट मुझे थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, बट कहीं ना कहीं वो हो नहीं पाता है, तो दिस इज सेकेंडरी फॉर मी एंड जस्ट एज अ हॉबी। ये आप हमें बताइए कि आपका इतना बड़ा सोशल नेटवर्क है, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, जाहिर है आप भी बहुत सारे लोगों को जानती हैं, लेकिन जाने अनजाने के प्लेटफॉर्म पे एक वो बात आप हमको बताइए जो आपके बारे में कोई नहीं जानता। दिस इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट एंड टिपिकल क्वेश्चन, ऐसी कौन सी चीज और नहीं जानता है, तो आप सब जान जाएंगे। तो ऐसी सर है कुछ चीजें, लाइक शायद मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स या पर्सनालिटी के बारे में बताऊंगी। आई अपीयर टू बी इंटेलिजेंट, आई अपीयर टू बी कॉन्फिडेंट पर्सन, बट कहीं ना कहीं मैं अंदर से, हम जिसको बोलते हैं ना बड़े भोलापन या इग्नोरेंट या बुद्धू भी जिसको हम बोल दें, और ये मैं किसी को बता भी नहीं सकती हूँ क्योंकि आज इस प्लेटफॉर्म से तो बता ही दिया। खैर रश्मि, जाने अनजाने के माध्यम से आप क्या संदेश सोसाइटी के लिए, समाज के लिए देना चाहिए? That's a very nice of you to ask this question. If I would like to give a message to society, I feel कि हमें हम जब आज वो कुछ सक्षम लोग हैं जो सोसाइटी में, तो हमें इतना कुछ ऊपर वाले ने दिया हमारी फैमिली के सपोर्ट से या हमने जो कुछ भी करा है, तो किसी ना किसी वे में हमें, वी कांट, एवरीवन कैन नॉट बी अ सोशल वर्कर, बट कहीं ना कहीं किसी वे में हम इनडायरेक्टली तन मन धन से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होके अगर हम सोशल वर्क कर सकें, तो दिस वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस। अपने आसपास जहां हमें जो लगे वहां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहें, किसी भी वे में, विदाउट काउंटिंग ऑन बैक कि हमने कहां क्या किया। अच्छा, अभी जो आपका आर्टिस्ट साइड है उस पर मैं कुछ सवाल पूछता हूँ कि ये अगर जैसा हम बोल रहे हैं कि जाने अनजाने लाइक ऑटोबायोग्राफी, लेकिन अगर आपकी ऑटोबायोग्राफी एक हिंदी गाना हो, गीत हो, तो आप उसको कैसे गाएंगे? आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। So that was रश्मि गोलिया from भोपाल, मध्य प्रदेश। ऐसे ही पैशनेट लोगों की लाइवली स्टोरीज के साथ वी विल गेट बैक इन जाने अनजाने, मेरी कहानी मेरी जुबानी। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर।